अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज अदील, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो दोस्तों, अदील राहत चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद है। सो गाइस, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करते हैं ताकि हमारी जब भी वीडियो आए आपको हमारा नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइस, दो दिन पहले मैंने पोस्ट डाला था कि भाई क्यों नहीं कर रहा हूं, आप लोग अपने सवाल भेजिए। तो काफी सवाल मेरे पास है, ऑलमोस्ट 253 कॉमेंट्स हैं एंड वो आज हम जवाब देंगे। तो सबसे पहला MG गेमिंग के हवाले से हमारे पास सवाल है एंड उनका सवाल ये है कि आप डेली व्लॉगिंग कंटिन्यू रखेंगे? भाई, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था, अदील राहत के पहले ही व्लॉग में, कि गाइज मैं पूरा डेली व्लॉग, पूरा वीक व्लॉग नहीं करूंगा, मैं आपको वीक में 3 या 4 व्लॉग दूंगा एंड आई प्रॉमिस दैट। कोशिश यही रहेगी कि 4-5 दे दूं, लेकिन 3 तो एटलीस्ट मैं आपको वीक में अदील राहत वाले चैनल पे आपको व्लॉग अपलोड करके दूंगा। एंड सेकेंड इनका है, हारिस भाई इतना कम क्यों आते हैं व्लॉग्स में? भाई आपको बताते चले, हारिस भाई की जॉब है, हारिस भाई 2 जॉब्स करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं एंड उसके बाद कभी कभार टाइम निकाल के अपने चैनल का भी कंटेंट बनाते हैं और फिर जो टाइम बचता है उसमें हमारे पास आते हैं एंड उनको अपना भी घर चलाना है, तो इस वजह से वो कभी कभार आपको कम दिखते हैं। लेकिन जो जब भी आते हैं उनकी 110% कोशिश होती है कि जब भी फ्री हो हमारे मैचेस में आएं। एंड फौज भाई कहाँ गायब है, रमजान में भी नहीं आते और वैसे भी नहीं आते। भाई फौज भाई का मैं आपको बताती हूँ, लोग फौज भाई बहुत तगड़े प्लेयर है हार्ड बॉल के एंड वो एक स्कूल में कोच भी हैं, तो वो सुबह स्कूल जाते हैं और उसके बाद जो बच्चे रह जाते हैं उनको अलग से कोचिंग करवाते हैं शाम में और उसके बाद रात में वो घर जाते हैं अपने। अब हमारा जो मैचेस होता है अक्सर रात में होते हैं, लेकिन जब वो सुबह से निकले होंगे फिर वो दोपहर में कोचिंग करवाएंगे तो रात में हमारे पास कैसे खेलने आएंगे, तो इस वजह से फौज भाई रमजान में और बाकी वीडियोज में नहीं आ रहे हैं। एक सवाल ये भी है हमजा भाई की जानिब से, अदील भाई आपके जानवर को पालने में कितने पैसे लगे और अगर उसको बेचा जाए तो कितने का बिकेगा? कि मैं आपको शेयर करूँ ना करूँ, क्योंकि थोड़ी सी नज़र लगती है एंड बहुत से लोग सोचेंगे कि यार ऐसे कितने में होता है, क्योंकि यार उस बछड़े को 5 से 6 महीने शाहजान भाई ने समझे बकरे के पैसों पे पाला है, बकरों के पैसों पे, क्योंकि वो बहुत छोटा था एंड 5-6 महीने में उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो कि बच्चों को मिलनी चाहिए बछड़ों में एंड उसके बाद उसने वंडर स्टार्ट किया, फिर अच्छी अच्छी डाइट लेना शुरू किया, तो हमें बहुत सस्ता पड़ा है वो बछड़ा एसोर टू वर्ड एंड अभी उसकी मार्केट वैल्यू है 7 लाख रुपये। अभी उसकी 7 लाख रुपये मार्केट वैल्यू और बकरीद में हो सकता है कि वो 8-9 लाख रुपये तक चले जाए। इसके अलावा सवाल आया है कि अदील भाई आपने व्लॉगिंग कब से स्टार्ट की थी? 2021 में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। व्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद कितने ईयर्स में रिस्पांस अच्छा आने लगा? भाई 2 साल में मेरे 2000 सब्सक्राइबर थे, 2 साल में मेरे 2000 सब्सक्राइबर थे, उसके बाद तीसरे साल में मेरे हैं 182K सब्सक्राइबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड आपकी रोजाना की रूटीन क्या है? हमारे रोजाना की रूटीन ये है कि हम उठते हैं तकरीबन 12-1 बजे, हम अपने भतीजों को लेने जाते हैं, वापसी आते हैं, खाना खाते हैं, एडिट पर बैठ जाते हैं, मगरिब हो जाती है, मगरिब के बाद खेलने निकल जाते हैं, हम लोग कॉन्टेंट बनाते हैं, फिर आके सो जाते हैं, ये हमारी डेली की रूटीन है। मुबीन भाई की तरफ से मैसेज आया कि अदील भाई क्या आपकी टीम को खेलने के चार्जेस पे करते हैं? यार हमारे बहुत से ऐसे लड़के हैं टीम में जो जॉब्स करते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं होती है, वो अच्छी जॉब्स करते हैं, वो अच्छा अर्न करते हैं एंड कुछ ऐसे लड़के हैं जो अर्न नहीं करते हैं, वो कौन है मैं आपको नहीं डिस्क्लोज करूँगा, तो मैं उनको पे करता हूँ ताकि उनका गुजारा हो सके एंड उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मेरा टाइम है कि मैं उनको सपोर्ट करूँ। एंड कंचन दास की तरफ से आए कि भाई आपके अब्बू कहाँ हैं, कहाँ पे होते हैं? तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे जो फादर उनकी डेथ हो गई थी एंड जब भी वो आपको हमारे व्लॉग में नहीं दिखते हैं एंड बहुत सी वजूहात की वजह से मैं नहीं बताता था ये, लेकिन आज मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं एंड आपको पता होना चाहिए, इसी वजह से आपको मेरे जो फादर हैं वो नहीं दिखते हैं वीडियो में। अच्छा, स्ट्रीट एंड इंडोर क्रिकेट को ब्रेक देकर हार्डबॉल क्रिकेट पे फोकस करें विद हारिस भाई, फौज एंड जोजी। भाई मैं आपको बताऊं कि हार्डबॉल क्रिकेट ना बहुत कम होती है, ज़्यादातर टूर्नामेंट्स होते हैं और सुबह सुबह मुझसे नहीं उठा जाता है। कोशिश करेंगे कि आपको एक दो वीक में 1-2 हार्डबॉल मैचेस भी दें, तो भाई कोशिश ही रहेगी हमारी। मुर्तजा आब्दी की तरफ से सवाल आया कि अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, वाई एसएन नॉट गिविंग ट्रायल फॉर PSL, ही हैज़ द एबिलिटी टू गेट सेलेक्टेड? भाई एसएन काफ़ी ट्रायल देता है, PSL की भी देता है, डिस्ट्रिक्ट में भी सिलेक्ट होता है, लेकिन मैचेस नहीं मिलते हैं। कराची में बहुत मसला है PR का, तो इस वजह से इतनी आसानी से मैचेस मिलते नहीं हैं। व्हाट वाज योर फर्स्ट यूट्यूब इनकम एंड व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन ऑन इट? पहली जो मेरी इनकम आई थी वो आई थी 27,000 रुपीज़ और उसका भी व्लॉग है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मेरी जो फर्स्ट वो आई थी यूट्यूब इनकम उस पर मेरी फैमिली का क्या रिएक्शन था, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस पर जाके देख लेना, बहुत अम्मी वैसे खुश थी। इसके बाद है अदील भाई हार्डबॉल क्रिकेट स्टार्ट की उसका क्या हुआ? उसको आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे, देखें क्योंकि हम लोग ना टेप बॉल खेलते हैं, टेप बॉल से हार्डबॉल में शिफ्ट करना मुश्किल होता है, हार्डबॉल से टेप बॉल में आके खेलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक के साथ हार्डबॉल खेलते हैं।
अदील भाई सवाल ये है कि जोजी और एहसन की लड़ाई किस बात पे हुई थी? भाई वो मजाक था, वो एहसन जोजी ना थोड़ा एग्रेसिव है, जोजी थोड़ी मस्तियां करता है, तो एहसन उसको उंगली दिखा रहा था, जोजी ने बोला मुझे उंगली मत दिखा, तो इस पर इनका हल्का सा मजाक हो गया था, वो मजाक था, मैंने आपको वीडियो में भी बताया। आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करते हैं भाई? एक तो डेली मैं मैचेस आप लोगों को दे रहा होता हूँ, उसकी एडिट में भी जो 3-4 घंटे लग जाते हैं तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता, लेकिन इस वजह से मैंने कोशिश किया कि 3 से 4 व्लॉग आपको मैं वीकली दूँ, तो डेली तो बहुत मुश्किल है। हाँ जब हम पूरी टीम बना लेंगे, जब लड़के रख लेंगे एडिट वगैरह के लिए और सारी चीज़ों के लिए, फिर हम सोच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी एज क्या है? यार आप लोगों को ये गैस करना है, कमेंट सेक्शन में गैस करो कि मेरी एज क्या होगी। वैसे तो लड़कियां छुपाती हैं एज, लेकिन मैं अपनी एज इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर मेरे शायद रिश्ते आने लगेंगे, भाई आपकी एज हो गई अब आप रिश्ता कर लें, तो बस इस वजह से मैं एज नहीं बताता हूँ। अब हाँ अस्सलाम वालेकुम दिल भाई, रमज़ान क्रिकेट में फौज भाई और अहमद भाई क्यों नहीं थे? भाई अहमद इज़ अ टॉप प्लेयर, अहमद की अपनी एक टीम है जिसको कप्तान लीड करते हैं और उस टीम में सिर्फ अहमद ही बैट्समैन है, तो अगर हम अहमद को ले आते तो कप्तान की वो टीम खत्म हो जाती है, इस तो इसलिए हमने अहमद को वहाँ दिया। एंड फौज भाई को तो अभी मैंने आपको बताया वीडियो में कि फौज भाई बिजी होते हैं कोचिंग में, जिस वजह से नहीं आ सके। दिल भाई आप इमरान खान ग्राउंड क्यों नहीं आते? इमरान खान ग्राउंड की जो लाइटिंग है मुझे बहुत बेकार लगती है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं आता हूँ। एंड इसके अलावा है अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कैसे हैं आप? आपको कैसा लग रहा है? किंग आमिर वापस आ गया है, इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह ताला। आमिर मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर है पाकिस्तान टीम में, एंड मैं बहुत सपोर्ट करता था बहुत पहले, जब मैं फेसबुक वीडियोस बनाता तो काफ़ी लोग मुझे मॉक करते थे, ह्यूमिलिएट करते थे कि भाई तू फिक्सर को सपोर्ट करता है, लेकिन आज जब आमिर वापस आया तो इट इज़ वर्थ इट। आमिर जब वापस आया तो बहुत से लोग मुझे बोलने के अदील भाई आपने वीडियो नहीं लगाई, तो उसकी भी हमने वीडियो अपने फेसबुक के पेज पे अदील एक्स्ट्रा पे लगा दी है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें हैं अदील भाई, माय क्वेश्चन इज फॉर जोजी, व्हाट्स हिज कास्ट? खान है वो, वैसे शाहरान खान नाम है, तो आई थिंक वो पठान होगा या यूसुफ जई होगा, इतना मुझे कंफर्म नहीं है भाई, हम लोग दोस्ती कास्ट वगैरह से नहीं करते हैं, हम लोग बस ऐसी दोस्ती करते हैं जो दिल पे लग जाए से दोस्ती कर लेते हैं। अच्छा भाई इसके अलावा है आप लोग बिग टूर्नामेंट क्यों नहीं खेलते? भाई एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा रीजन ना बड़े टूर्नामेंट ना खेलने का ये कि उसमें ना ब्रॉडकास्टर लगे हुए होते हैं, वो लाइव मैच दिखा रहे हैं, जब आप हमारा मैच लाइव देख लोगे तो हमारी वीडियो का रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि एक मैच जो आप देख लो वो आप दोबारा नहीं देखते। हाँ आप ये सोच सकते हो कि यार वो तो लाइव दिखा रहा था कोई बात नहीं, अदील के व्लॉग में तो बहुत मजाक मस्ती होता है, हम लोग वहां पे दोबारा देख लेंगे, लेकिन स्पॉयलर मिल जाता है कि कौन जीता कौन हारा, इस वजह से बहुत से टूर्नामेंट है जो हम नहीं जानते जाते हैं। अदील भाई आप द स्पॉट में आप क्यों नहीं खेलते? बाय द वे जोजी इज लव यार, जब आप बींग जब आपको इंडोर एम्बेसडर बना दिया जाता है, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि जितनी मैंने मेहनत करनी थी, जितना मैंने फ्री में जाना था, जहां जहां वहां मैं चले गया हूं, फराज भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी भी मैं जा सकता हूं कि इंडोर में, लेकिन अब वो इंडोर काफ़ी थोड़ा छोटा लगता है क्योंकि हमारा जो कैच आउट है वो काफ़ी बड़ा है एंड स्पॉट थोड़ा छोटा है, एंड एक बार मेरे यहाँ बॉल लग गई थी डायरेक्ट बीमर, तो उसके बाद चक्कर वक्कर मुझे काफ़ी आए थे, एंड शायद उसी डर की वजह से मैं बहुत कम जाता हूँ छोटे इंडोर में, मतलब रिएक्शन टाइम नहीं होता आपके पास, आपको एक बीमर पड़ी आपका गेम ख़राब है। यहाँ पड़ी थी और मेरी ये जगह काफ़ी सूज गई थी, एंड उसके बाद मुझे काफ़ी दर्द होता था, मेरी गर्दन भी नहीं मुड़ती थी, और ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से एक नस जा रही होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसकी वजह से मैं नहीं खेला। खुदा ना खास्ता वो बॉल मेरी आँख पे लगती तो आई थिंक मेरी आँख भी ज़ाया हो जाती, तो इस वजह से वो डर बैठ गया है मेरे दिल में, इस वजह से मैं बहुत ही कम इंडोर हैं जहाँ पर जाता हूँ। सुमैया बोल रही है अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, आप मंडी के व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते? भाई मंडी के व्लॉग्स हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि मंडी काफ़ी दूर लगती है, एंड मंडी ऐसी जगह पे लगती है कि जहाँ पे हमारा इक्विपमेंट जो है, हमारा कैमरा जो है, और बहुत सारी चीज़ें छीन सकती हैं, तो अपनी सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। लेकिन इस बार कोशिश रहेगा कि आपको जमील मेमन या बहुत से फार्म के विजिट करवाएं, या छोटी मोटी मंडियाँ जो घर के आसपास लगती हैं वहाँ के विजिट करवाएं, उसके व्लॉग्स दें। चलें भाई आप एडिटिंग किस ऐप से करते हैं? यार टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि अडोब प्रीमियर प्रो अगर कोई बड़ा काम आता है तो हम वहाँ पे करते हैं, वरना अगर छोटा मोटा काम आता है तो हम कैपकट से गुजारा कर लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि उस्मान भाई और जोजू भाई एटीट्यूड बॉयज क्यों हैं? बुरा मत मानना जानी, लव यू दिल से, एक बार लव यू बोल दें। भाई आई लव यू टू इडियट्स व्लॉग, एंड भाई वो कोई एटीट्यूड नहीं है उनमें, आप उनसे आके मिलें एंड उनसे बात, उनके साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, आपको कोई एटीट्यूड नज़र नहीं आएगा। असल में होता ये इशू है कि कभी कभार ना आप बहुत चीज़ें एज्यूम कर लेते हो वीडियो पे देख के कि यार ये बंदा ऐसा होगा, लेकिन जब आप रियल लाइफ में मिलते हो तो उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। एंड इसके अलावा भाई मैसेज आया कि अदील भाई शादी कब करोगे? अदील भाई इंशाल्लाह ताला 2 साल के अंदर या 2 साल के बाद इंशाल्लाह शादी कर लेंगे, लेकिन अदील भाई जब शादी करेंगे तब व्लॉग कम हो जाएंगे, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ,
जिसको शौक है मेरी शादी करवाने का उसको ये बताता चलूँ कि व्लॉग आना कम हो जाएंगे, जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है, ऐसा मैंने सुना है अपने दोस्तों से। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, आप ओपनर जाया करें। भाई देखो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि मैं ओपनर क्यों नहीं जाता। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब मैं ओपनर चले गया ना, मुझे टेंशन रहेगी कि पीछे वीडियो सही बन रही है या नहीं, तो बस एक इशू ये है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। अदील भाई, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है आपकी टीम में? जोजी, उस्मान, हारिस भाई एंड एहसन, ये मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। अदील भाई, जब आप जॉब करते थे उससे ज़्यादा अर्निंग होती है यूट्यूब से? भाई उससे, भाई जितनी मैं जॉब करके अर्निंग करता था ना, उतने ही मैं समझे कि कभी कभार एक दिन में या उससे ज़्यादा कमा लेता हूँ, अगर मैं पीआर पैकेजेस की बात हटाऊँ तो सिर्फ यूट्यूब इनकम ही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है, आप लोगों की मोहब्बत है एंड मेरी मेहनत भी है इसमें, एंड मेरे लड़कों की भी मेहनत है कि मैं इतना कमा लेता हूँ कि अगर मैं कहीं जॉब भी कर रहा हूँ ना, तो उससे भी 10 गुना ज़्यादा यूट्यूब इनकम मेरी आ जाती है, अल्लाह पाक का करम है। अदील भाई, आपको ये काऊ का बेबी कितने का पड़ा था? टू बी ऑनेस्ट, वो उस वक्त जब वो हमारे पास आया था ना, हमने उसको 1 रुपया भी नहीं दिया था एंड वो बहुत छोटू सा था। उसके बस ये अली भाई ये बोले थे यार कितने देने चाहिए, तो हमें एक फार्मर ने बोला था कि आपको 80,000 रुपये उसके दे देने चाहिए। लेकिन जब हमने मौलवी से कंसर्न किया कि भाई ऐसी हो सकता है कि कुर्बानी हमारी हो सकती है अगर किसी ने गिफ्ट दिया, तो उसने मना किया। उसने बोला कि आपका बच्चा जितने का है ना, आपको उतने उसको पैसे देना चाहिए। तो अली भाई ने उसको उतने पैसे दे दिए थे। कितने पैसे दिए अली भाई ने मुझे अभी तक नहीं बताया, क्योंकि मेरा कंसर्न भी नहीं है, ये अली भाई और उनके बीच के दरमियान की बात है। तो ये है कि हमने उसको पे करे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हारिस जूनियर की बैटिंग हमने आज तक नहीं देखी, कभी हारिस को भी चांस दें। डन हो गया भाई, इंशाल्लाह ताला। अदील भाई, आप में से कोई प्रोफेशनल क्रिकेट प्लान्स हैं फ्यूचर में आप में से किसी के? भाई अभी तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी हमें तकरीबन यूट्यूब पे 1 ही साल हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगर कोई आगे अपॉर्चुनिटी आती है तो ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। कैटल फार्म में रखने का खर्चा कितना है? भाई कैटल फार्म में अगर आप विदाउट, अगर आपकी पीआर नहीं है ना, आपका बैकअप नहीं है पीछे, आप नहीं जानते किसी को, तो आपको शायद एक जानवर पर महीने 45,000 to 50,000 का भी पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके ताल्लुक आते तो आपको शायद 25,000 to 35,000 के दरमियान भी पड़ जाएगा। एंड आपके बहुत अच्छे ताल्लुक आते तो क्या पता आपको फ्री में भी पड़ जाए, लेकिन ये फ्री में नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है। कोशिश करें कि आपके जितने भी अच्छा दोस्त हो उसका फार्म हो तो उसको पे करें। आप कुलाय क्यों नहीं करते यूट्यूबर के साथ, उनसे मैच खेलें? आप जो बोल रहे हैं यूट्यूबर के साथ, तो भाई आजकल के यूट्यूबर ना बहुत बिजी चल रहे हैं एंड उसकी वजह से हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब हमारे और नंबर्स बढ़ जाएंगे तो हमारे काफ़ी कांटेक्ट आएंगे, तो फिर आपको ऐसी मज़ेदार क्रिकेट देखने को ज़रूर मिलेगी। तो भाई अदील भाई, आप बैटिंग ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं? भाई बैटिंग ज़्यादा ना करने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें अब मेन जो हमारा फोकस होता है ना, वो होता है आपको वीडियो पहुंचाने का, कि यार आपके पास अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो पहुंचे। क्योंकि हमारी टीम के ऐसे बहुत से लड़के हैं जिनको कमेंट्री नहीं करना आती है, जिनको कैमरा एंगल का नहीं पता है, जो सिर्फ खेलने आते हैं, तो इस वजह से हम जिम्मेदारी की वजह से पीछे रह जाते हैं, बस ये वजह है। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, आपकी टीम में कैप्टन कौन है? सबसे अच्छा बॉलर और बैट्समैन कौन है आपकी टीम में? भाई सबसे पहले कैप्टन कोई नहीं हमारी टीम में, बाबू को हमने कैप्टन रखा हुआ है, लेकिन डिसीजन सब मिलके करते हैं। सबसे अच्छा बॉलर एहसन है, सबसे अच्छा बैट्समैन जोजी और उस्मान है। अदील भाई, आप बॉलिंग क्यों नहीं करते हैं? भाई अदील भाई बॉलिंग इसलिए नहीं करते कि अदील भाई काफ़ी अर्से पहले बॉलिंग करते थे, लेकिन उसके बाद बैटिंग में आ गए थे, तो काफ़ी सालों बॉलिंग छोड़ दी, एक्शन भी भूल गए, तो इसी वजह से आप बॉलिंग नहीं करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। एंड एक का कमेंट आया है, भाई 1 साल से देख रहा हूँ, मेरा कमेंट ले लो। भाई क्या आप मंडी के व्लॉग डालोगे? जी जी हम डालेंगे मंडी के व्लॉग। क्या मेरा चैनल प्रमोट कर सकते हो? प्लीज़ भाई चैनल प्रमोट के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं नहीं करता हूँ, और काफ़ी यूट्यूबर से भी मत करवाना, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी इश्यूज़ हैं। एक तो क्लिकेबल एक्टिविटी भी चली है, जिसकी वजह से यूट्यूब को पता चल जाता है कि आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा है ना, वो ऑर्गेनिक नहीं है, किसी और की बदौलत आ रहा है, तो भाई काफ़ी लोगों का चैनल डिमोनेटाइज होता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि खुद मेहनत करो और खुद आगे तक जाओ। अदील भाई, आप नॉर्थ कराची में कहाँ रहते हैं? यार हम नॉर्थ कराची में डिस्को मोड़ के पास रहते हैं। अब मेरे एरिया आप लोगों को पता लगाना है कि मैं कहाँ रहता हूँ, ये आप लोगों को पता लगाना है। सो गाइस, Q&A यहीं ख़त्म होता है। आपके सवालों के हमने बहुत कोशिश की जवाब देने को, इसमें काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा लंबी नहीं की है। एंड आई होप आपको ये Q&A पसंद आया होगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होने चाहिए कॉमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।